हे एवरीवन, मैं प्रिया गुड विद प्रिया जोशी आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि हमारे घर पर जो मेड आती है ना, उसने बोला था कि क्या आप मेरे बेटे के लिए केक बना दोगे, क्या आज उसके बेटे का बर्थडे है। तो मैं केक तो नहीं बना पाई थी बिकॉज मम्मा भी घर पर नहीं है और मैं थोड़ा बिजी थी सुबह से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके लिए थोड़ा कुछ करूँ। उसने भी बोला था कि वो मतलब उसका बेटा बहुत एक्साइटेड अपने बर्थडे के लिए, सभी होते हैं यार अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड, मैं तो बहुत ज़्यादा रहती हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रही, मैं थोड़ा सा ही उसके लिए कुछ कर रही हूँ। तो चलिए हम करते हैं। तो पहले मैं आपको मेरा किचन दिखाती हूँ। जब मैंने काम शुरू किया था उसके लिए करना, तो मैंने थोड़ा बिखेर रखा है, मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी तो मैंने मेरे लिए थोड़ा सा कुछ बना लिया था। तो पहले मैं आपको मेरा किचन दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी किचन की हालत मैंने क्या कर रखी है, मुझे पहले इसको पूरा पूरा समेटना है। तो पहले मैं इसको समेट लेती हूँ, फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो अच्छा, मैं पहले आपको केक बताती हूँ। मैंने जो उसके लिए केक ऑर्डर किया, सी दैट ब्लूबेरी केक, ये मतलब ये ना बहुत टेस्टी है क्योंकि मैंने एक बार पहले ऑर्डर किया था। ये इतना यम्मी आता है ना, अगर आपको ये मंगवाना, अगर आप जयपुर रहते हो तो आप अग्रवाल से मंगवाना, बहुत यम्मी आता है सीरियसली। पता है मैं मेरे बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। तो मैं मेरे बर्थडे के लिए नहीं, मैं सबके बर्थडे के लिए एक्साइटेड रहती हूँ। किसी का भी बर्थडे आता है ना तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। अभी मेरे मम्मी पापा के भी 30th एनिवर्सरी आ रही है, 30th एनिवर्सरी आ रही है, 30 साल। मेरा 25th बर्थडे भी आ रहा है 4 मिनट बाद। मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ मेरे बर्थडे। बताया जब मैं बर्थडे जिस दिन रहता है ना, उसके अगले दिन मैं बोलने लगाती हूँ कि मेरे बर्थडे को सिर्फ 364 डेज बाकी है। और सब इतना हंसते हैं ना। बताया मैं आज सुबह से बहुत थक गई थी बिकॉज देख सकते हैं वैसे तो हाल है, मम्मी तो है नहीं घर पे, मम्मा गई है रामगढ़, मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जो मेरा बर्थ प्लेस है वहाँ पे है कुछ रीजन से। मैं अकेले ही सुबह से, भाई लोग तो चले गए शॉप पे। अच्छा मैंने पता है एक और क्या तैयारी करके रखी है, वहाँ पे ये मैंने डोनट का डोर रेडी करके रखा था। मैं उसके लिए डोनट और पिज्जा ये दो तो बनाई थी और अगर मैं नहीं थकी तो मैं और भी देखती हूँ और क्या बना सकती हूँ। सो किचन कौन कौन सा लगे रखता है, किसकी मम्मा सही करती है, तब तो सही भी करती है, मैं भी करती हूँ। मैंने कोल्ड कॉफी बनाई, मैंने पास्ता भी बनाई थी मेरे लिए, यम यम यम। सिंबू गर्म चढ़ा देते हैं, मैंने सुबह सुबह गर्म किया, उसके बाद इतनी गर्मी है कुछ फट जाता है। खेली थी लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं लगा, मिसिंग है सो मच। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, माना दुनिया के लिए अब सनम फैसला आप कीजिए, आप ही कीजिए, ओ मेरे दिल की चैन आए मेरे दिल को धुला दीजिए। Love me like you do. अरे मैं पूरे दिन गाती हूँ, मैं बहुत बीच में गाती हूँ, I'm sorry. आप लोगों को बताने के लिए It's okay. आप सोच रहे कि बनाने जा रही है बर्थडे का कुछ अरंगा फरंगा, बट मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, तो मैंने किचन सेट कर दी क्योंकि बहुत बिखरा पड़ा है।
तो मैंने किचन की सफाई कर ली है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी पहले से बेटर लग रहा है ना, मैंने साफ साफ कर लिया, पहले से बेटर लग रहा है। तो मैंने डोनट्स को बना लिए थे अभी, मतलब डोनट का डो बनाया था अभी, अभी मैं पिज्जा का डो बना देती हूँ, फिर अपन डोनट्स बनाएंगे। तो पिज्जा का डो बनाने के लिए मैंने हाफ कप पानी लिया है, पहले हम ये मैंने गुनगुना पानी लिया है, पहले हम इसको अपडेट करेंगे ना, फिर उसमें हम इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, इसमें हम यीस्ट डालेंगे 2 टीस्पून, 2 कप मैदा के लिए 2 टीस्पून यीस्ट, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है, इसको भी मिक्स कर देंगे। ध्यान रखना पानी ना गुनगुना होना चाहिए, मतलब गर्म होना चाहिए यूनिफॉर्म बॉटम, और इसको ना हम 10 मिनट्स के लिए रख देते हैं एक्टिवेट होने के लिए। इसको हम वापस फ्रीजर में रख देते हैं, ये हमेशा फ्रीजर में रखना चाहिए, कहीं बाहर नहीं रखना चाहिए, अपना यीस्ट खराब हो सकता है और ज़्यादा दिन का काम भी नहीं लेना चाहिए। जब तक हमारा ये एक्टिवेट होता है ना यीस्ट, तब तक या ये भुट्टा, ये स्वीट कॉर्न है, अलग अलग भुट्टा आते हैं ना, तो हम वैसे स्वीट कॉर्न बनाते हैं, ये मम्मी लेके आते हैं स्वीट कॉर्न, तो ये फ्रीज के अंदर रख दिया मम्मी ने लाते, पता है रात के मैंने सब कुछ बहुत जरूरी थी, आप नींद आई रे, आई रे नींद आई रे। भुट्टे में इतने ये नहीं होते ना कवर, जैसे इतना कवर कवर कवर, इसलिए कौन नहीं होता है। ये हमारा कुत्ता, तो इसको हाफ कर लेते हैं, हमको भी जितना यूज में लेना, आई थिंक इतना बहुत हुआ। इसको फ्रीजर वापस सेट करके रखना है, ऐसे भी रखना या फिर किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के रखना, आप बॉइल करके भी रख सकते हो इसको। जैसे जैसे बताना आलसी कितने लोग हैं, बहुत आलसी अपनी वजह से, मुझे जितने नींद आते हैं ना उनके साथ किसी को नहीं आते। एक्चुअली मुझे ज़्यादा बटन नहीं करने, इसलिए मैं इसमें करती थी 5 बटन मुझे करने था, मुझे कपड़े सुखाने और शाम के बजे 5 और मेरे कपड़े नहीं सुखाए कपड़े सुखाते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं और मैं इस अच्छे से फूल चुका है, देखिए देखना ये फूल क्या। तो इसमें हम 2 कप मैदा डालेंगे, हम ये भी कर सकते हैं कि हम 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं, इट्स ए हेल्दी वर्जन, बट हम 2 कप आटे डाल देते हैं, मैदा डाल देते हैं 2 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार आप अपना कॉफी ले लीजिएगा, आप इसको हम मिक्स करेंगे, मतलब डो बनाएंगे इसका एक। मैंने भी बहुत लिया,
अच्छा ये बताओ कि मतलब जब काम खत्म होते किचन कौन सा मेट जाएगा फटाफट ना, वेट करते थे मम्मा से देखिए मेरे डोनट का जो डो है ये भी अच्छे से तैयार हो चुका है, तो हम इसको अच्छे से पहले राउंड 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 करते हैं। अगर आपको थोड़ा चिपचिपा लगे ना तो आप ना इसे थोड़ा ऑयल लगा लेना। देखिए अभी भी फूल सा रहा है जिस पे मैंने ना इसको बहुत देर तक किया था। मानव से मानव होना जुदा आंगन आंगन सुखभर सा। तो मेरे डोनट्स रेडी है, मैं दिखाती हूँ। डोनट्स में मैंने चॉकलेट्स भी लगा दी और ये मैंने कुछ डोनट्स जो चार पांच बचे हैं ये चार पांच इसलिए रखे बिकॉज और ये जो पिज्जा का बेसिकली मैं टूट गया था मैं आपको दिखाई कितना फूटा है। देखिए डबल डिप कर, ये थोड़ा सा और इतने हम टॉपिंग्स ऐड करें पिज्जा की पिज्जा टॉपिंग्स प्याज लगा और चीज शिमला मिर्च ये मैंने ऐसा कुछ तैयार कर लिया। प्याज भी कर लिया, टमाटर भी कर लिया, पिज्जा सॉस है, नॉर्मल सॉस भी ऐड कर दिया, चीज ये फ्लेक्स और ये कौन है हमारे टॉपिंग्स भी रेडी है। तो हमारे टॉपिंग्स रेडी है और ये देखिए हमारा डोनट बन चुका है। हम सब अभी तो मैंने उसको बुलाया है और लगाएंगे तो मेरे लिए कल की रखो क्या मिट्टी से किसी करने के लिए ना मिट्टी से किसी करने के लिए मैं इसको ना
उसको नीचे क्रिस्पी करने के लिए क्या कर सकते हैं दाने के ऊपर एक बार इसके मतलब नीचे का बेस कर सकते हो थोड़ी सी देखिए टाइम लग जाएगा ना तीन दिन को बनने में तो हम कैसे भी चढ़ा देते हैं जिसके लिए इतनी तैयारियां हो रही है और ये हमारी भाभी बड़ी हंसमुख है पूरे टाइम हंसती रहती है डांटो तो भी हंसती है डांटना पूरा लगता ही नहीं है हमारी जीजी का डांट कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है ये कटने की तैयारी हो रही है पिज्जे की है जा रहे हैं जीजी ने अभी तो एक और चढ़ाया जीजी ने अभी बन करके तैयार हो जा रहा है बस ये तुम अभी खाना बनाएगी बस मम्मी अपने वहां पे मम्मी नाने के अच्छा गरम गरम लस्सी खा लो फिर अरे नहीं जी
गरम गरम खा लो और बता जाकर खा लियो। तो देखो मैं बताओ तो सुनो। अच्छा देख के बताते हैं कि जीजी ने कैसा बनाया। आप भी टेस्ट करो जीजी कैसा बनाया। एकदम टेस्टी। अरे फ्लेक्स वगैरह तो डाले ही। अरे नहीं वैसे भी टेस्टी लग रहा है जीजी, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम इनको भी फेल कर देते हैं अपन जीजी का। ये बाहर का तो बेकार आता है बल्कि घर का बनाया हुआ कितना शानदार है। ये टेस्ट करके देखो। हमारी दीदी को ऑर्डर देना पिज्जी के लिए। बेकरी खोल रखी हमारी जीजी ने। चलो हम भी ट्राई करता है। हाँ देखो ना बाकी टेस्टी लग रहा है। ज्यादा लग रहा है आराम से है ना टेस्टी। यहाँ से बाहर वाले से तो बहुत टेस्टी है। बताओ अब आ जाओ ताकि सब लोगों ना और बने पड़े जाए ना। डाल दो डाल दो तो हमारे पिज्जा भी बन गए, हमारे डोनट्स भी बन गए। डोनट्स को भाग लेके चले गए अपने घर से। पिज्जा वापस नहीं आएंगे, मैंने बर्थडे पर कहीं रख लिया। और ये एक पिज्जा मैंने इसमें बनाया था। कितना अच्छा कलर आया है। अभी सारा काम हो चुका है। मैंने अपने घर के लिए भी एक पिज्जा बनाया था तो ये मैं दादी को मिठाई बता देता हूँ, उसके बाद मैं देख करूंगी। जितना कम सोचना कितना कम बढ़ता है, उतना ज्यादा बढ़ता है। अभी मैं खाने में बनाऊंगी। अगर मेरे को खाना नहीं बनाना होता ना तो मैं लिटरली भाभी ने इनवाइट किया था तो मैं जरूर जाती, बट मुझे घर पे भी बहुत काम है, बहुत ज्यादा है। मुझे किचन समेटना है, मुझे बर्तन करने हैं, मुझे कपड़े फोल्ड 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 करने हैं, क्या बोले, और मुझे खाना भी बनाना है मुझे। और रात के रुको मैं आपको बताती कितने बजे है। हेलो बोलो। ये टाइम 8:30 बज रहा है। 8:30 बज रहा है तो मुझे घर पे खाना भी बनाना है। मैं बनाऊंगी जीरा राइस प्लस दाल, बिकॉज मेरी अभी सिर्फ चावल और दाल बनाने की जितनी हिम्मत है। तो मैं पूरा काम समेट के वापस आती हूँ। मेरी ऑलमोस्ट काम इज डन, मोस्टली हो गया। साफ सफाई किचन भी हो गई, मैंने राइस भी बना ली, दाल भी बना ली। अभी राइस में जीरा डालने चाहिए। जीरा राइस बनाया मैं छोटू सा पैन। ये बिग बॉस देख के याद आया कुछ। घी चाहिए होता है, घी उनकी जिंदगी जिंदगी से मधु होने लगे घी ज्यादा पक।
माय जीरा राइस रेडी, माय दाल इज आल्सो रेडी। मैं ड्रेस उस ड्रेस में भी थक गई थी, मैंने ड्रेस चेंज कर ली। काम नहीं होना था मोस्टली, मतलब मेन चीज ये है कि आपका काम ही करना था, मेरे से बहुत धीरे धीरे काम होना था उसमें, मैंने पता था ड्रेस चेंज कर ली। ये अभी भाई लोग आएंगे, उनको बस खाना लूंगी, पॉपकॉर्न लूंगी और सो लूंगी।